हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, डेली के अपडेट्स के साथ साथ जो हम डेली करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस के डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि आपके हर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे 20 जून 2019 के, यानी कि आज के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके हर आने वाले जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं 20 जून 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर का आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हेन इज द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड, किस दिन दुनिया का जो रेफ्यूजी डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल 20 जून को यहाँ पे जो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, 20 जून हर साल। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन बन जाता है, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन नीदरलैंड इन जून 2019। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में, जो कि नीदरलैंड जून 2019 में हुई थी। तो आपको यहां पे याद रखना है, इंडिया ने टोटल 3 मेडल यहां पे जीते हैं, जिसमें से यहां पे 1 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है यहां पे इंडिया ने जीते हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। तो ये भी आपको फ्रेंड्स यहां पे याद रखना है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशन हैव बीन रैंक्ड अमंग द बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन जून 2019। जो यहां पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग निकाली है जून 2019 में, तो उसमें जो इंडिया के कितने इंस्टीट्यूट बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग उनकी आई है। तो टोटल यहां पे 23 इंस्टीट्यूशन है जो कि बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी में उनकी रैंकिंग आई है। तो यहां पे आपको फ्रेंड्स याद रखना है, IIT बॉम्बे ने यहां पे जो रैंक सिक्योर किया है वो 152 जो रैंक है अमंग बेस्ट वर्ल्ड की जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है उसमें जो IIT बॉम्बे का रैंक है वो 152 है, और यहां पे जो IIT दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलोर उसमें यहां पे इन दोनों की जो पोजीशन है वो यहां पे टॉप 200 में रही है अमंग द बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में। तो फ्रेंड्स ये भी आपको यहां पे याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन बन जाता है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल करेंसी लिब्रा, किसने यहां पे रिसेंटली जो डिजिटल करेंसी लिब्रा है वो यहां पे लॉन्च किया है। तो वो आपको यहां पे याद रखना है, फेसबुक ने डिजिटल करेंसी लिब्रा रिसेंटली लॉन्च की हुई है। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स आ जाता है, वेयर डिड अ 2-डे इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन इश्यूज रिलेटेड टू पायरेसी बिगन इन जून 2019। तो कहां पे ये जो 2 दिन की इंटरनेशनल वर्कशॉप है यहां पे इश्यूज रिलेटेड टू पायरेसी, सबसे पहले पायरेसी आपको यहां पे ध्यान रखना है, पायरेसी क्या होती है, पायरेसी एक तरीके की रॉबरी होती है, चोरी होती है, जो कि यहां पे जहाजों पे अटैक किया जाता है चोरी करने के लिए, उसको यहां पे पायरेसी बोलते हैं। तो ये यहां पे जो 2-डे इंटरनेशनल वर्कशॉप है ये कहां पे हुई है, तो यहां पे आपको याद रखना है नई दिल्ली में ये जो 2-डे इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई है और ये किसने ऑर्गेनाइज की थी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जो कि 19 जून 2019 को हुई थी। तो फ्रेंड्स ये भी आपको यहां पे याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पे जो सिक्स्थ है वो यहां पे बन जाता है, विच स्टेट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अप टू 3500 टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री अंडर चीफ मिनिस्टर युवा संबल योजना फ्रॉम फरवरी 2019। किस स्टेट ने यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है ₹3500 का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को दिया जाएगा, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री या फिर कोई इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन डिग्री है उनके पास, प्रधान यहां पे चीफ मिनिस्टर युवा संबल योजना के अंडर फरवरी 2019 थे। तो यहां पे आपको याद रखना है, राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को ₹3500 जो है ₹3500 चीफ मिनिस्टर युवा संबल योजना के अंडर दिया जाएगा। तो ये भी फ्रेंड्स आपको यहां पे याद रखना है। उसके बाद आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मार्क जकरबर्ग ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन यूनाइटेड स्टेट 2019। तो यहां पे जो मार्क जकरबर्ग जो कि हमारे फेसबुक के सीईओ हैं, उनका क्या रैंक रहा है ऑन द लिस्ट ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन यूएस 2019 का। तो यहां पे आपको रैंकिंग याद रखनी है, इनका 55 रैंक रहा है, पहले इनका रैंक जो है वो 16 रैंक था, अब इनका जो रैंक है वो 16 से ड्रॉप होकर 55 जो है वो आ गया है।
उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन बन जाता है, वेयर इज अ 3-डे नेशनल योगा ओलंपियाड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बीइंग हेल्ड इन जून 2019। तो जो 3 दिन का नेशनल योगा ओलंपियाड है स्कूल चिल्ड्रन का, वो यहां पे कहां पे हेल्ड होगा जून 2019 में, तो वो आपको यहां पे याद रखना है, न्यू दिल्ली में 3-डे नेशनल योगा जो ओलंपियाड कंडक्ट होगा वो यहां पे नई दिल्ली में होगा, और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, जो कि आपको 21 जून हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको यहां पे याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन आ जाता है, जस्टिस आर एस चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच हाईकोर्ट इन जून 2019। जस्टिस आर एस चौहान को यहां पे अपॉइंट किया गया है किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तो यहां पे इन जून 2019, तो आपको यहां पे याद रखना है तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस आर एस चौहान को एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, ये आपको याद रखना है। और एक और आपको यहां पे याद रखना है, जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस यहां पे अपॉइंट किया है वी रमा सुब्रमण्यम, तो ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, दो हाई कोर्ट के लिए यहां पे चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, तेलंगाना के लिए जस्टिस आर एस चौहान और हिमाचल प्रदेश के लिए वी रमा सुब्रमण्यम, तो ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको यहां पे ऐसे रिमेंबर रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में बन सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोज्ड अ फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज ऑन साउथ इंडियन बैंक फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स रिगार्डिंग बैंक गारंटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पे 10 लाख का जो यहां पे फाइन है वो इंपोज किया है साउथ इंडियन बैंक के, जिसने उल्लंघन किए हैं बैंक गारंटी के जो यहां पे नॉर्म्स थे उसका जो उल्लंघन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 लाख का जो फाइन है वो साउथ इंडियन बैंक पे इंपोज कर दिया है, लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये आपके यहां पे करंट अफेयर 20 जून 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आपके हर आने वाले कंपिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।